नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला और सबसे पहले बात एयर इंडिया की। घाटे की मार झेल रहा एयर इंडिया से मोदी सरकार बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया में विनिवेश का समर्थन किया है। अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी करीब 14% है, जबकि इस पर कर्ज 50,000 करोड़ रुपए का है, जबकि सरकार ने निजी विमानन कंपनियों में पैसा नहीं लगाया है। इसके बावजूद देश में 86% उड़ाने निजी एयरलाइंस संचालित करती हैं। जेटली ने सवाल किया कि जब 86% प्राइवेट एयरलाइंस ही संभाल रही हैं, तो 100% भी वो संभाल सकती हैं। सरकार जो एयर इंडिया पर फिलहाल खर्च कर रही है, उस रकम का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकता है। जेटली ने इसके लिए शिक्षा का उदाहरण दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फिलहाल सभी तरह की संभावनाओं को तलाश रही है, ताकि कंपनी के हालात को बेहतर बनाया जा सके। आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस एडिटर मेहर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया को मौजूदा हालात से निकालने के लिए कोशिश जारी है। और तो ये एक बड़ा फैसला होगा सरकार की तरफ से अगर एयर इंडिया में विनिवेश होता है। हमारे साथ हर्षवर्धन जुड़ रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। इससे पहले भी कई कोशिशें हुई हैं, कम से कम 2 कोशिशें तो हुई हैं सर, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। इस बार वित्त मंत्री ने साफ इंडिकेशन दिया है, क्या माना जाए आने वाले दिनों में ऐसा संभव है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी एयर इंडिया की हालत है, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है वो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जब तक आप उसकी वर्किंग को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे और लोगों को आज नहीं तो कल में को उसमें सक्सेस की उम्मीद नजर आएगी, तभी जाके एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो इस तरह के बयान और इस तरह के प्रयास पहले भी करते रही है सरकार, पहली सरकारों ने भी किया है, अभी तक सफलता नहीं मिली। ये तो जरूरी है कि जिस तरह से एयर इंडिया को हैंडल करा गया या करा जा रहा है, तो सरकार किसी भी हो उसके बस की एयर इंडिया को संभालना नहीं है, तो डाइवेस्टमेंट उसका एक ऑप्शन है। तो वो उसको मूर्त रूप में आप दे सकते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कहा था कि हमने एयर इंडिया को टर्न अराउंड कर दिया है, जो बाद में गलत निकला। तो आई थिंक अभी एयर इंडिया को सबसे पहले आप ठीक करिए, उसके बाद ही डाइवेस्टमेंट हो पाएगा। जी सर, अगर एयर इंडिया की बात की जाए तो मनमोहन सिंह सरकार ने बेल आउट पैकेज दिया था 30,000 करोड़ का, उसी पर अभी एयर इंडिया सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी नहीं सुधर रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसी समय 99-2000 के आसपास की बात वो कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने कोशिश की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात ये 30,000 करोड़ का जो बेल आउट पैकेज दिया था, उसको एयर इंडिया ने किसी तरह से प्रॉपर यूज नहीं करा है, क्योंकि उतने बेल आउट पैकेज से एयर इंडिया को टर्न अराउंड हो जाना चाहिए था। ये एक अभूतपूर्व पैकेज था, तो इसमें कहीं ना कहीं एयर इंडिया मैनेजमेंट और चलाने वाली दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप इस तरह का बेल आउट पैकेज देते हैं तो उसके इंश्योरेंस एजेंट आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पब्लिक सेक्टर के बारे में मेरा अपना तजुर्बा है कि जब तक राष्ट्रीय जो लीडरशिप है उसकी उसमें एक निष्ठा होती है, तभी पब्लिक सेक्टर में सुधार आता है। जी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट की बात है, डाइवेस्टमेंट तो आप तब करेंगे जब कोई उसको लेने को तैयार हो। और ऑपरेशन और रोल की बात है, वो ये है कि जो एयर इंडिया का एक महत्वपूर्ण योग है, जो जिसको आप खाली कमर्शियल नहीं कर सकते, भारत की बहुत ही स्थिति सेंसिटिव है, कहीं आपके विदेश में लोग फंसे होते हैं, कहीं आप युद्ध के समय सिविल एयरलाइंस को यूज करते हैं, तो ऐसे में एयर इंडिया का एक अपना स्ट्रेटेजिक रोल भी है देश में। बिल्कुल, तो आप सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल सर, आप बने रहिए थोड़ी देर हमारे साथ, कुछ और पहलुओं पर आपसे बात करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री ने एयर इंडिया को लेकर कहा क्या था, आइए आपको सुनवा देते हैं। किसानों के अगेंस्ट होने की वजह से किसान सरवाइव नहीं कर पा रहा है, छोड़ रहा है खेती। कोई मॉडल, नतीजा यह होता है
कि टर्म्स ऑफ ट्रेड टीओटी जिसे कहते हैं वो किसानों के अगेंस्ट होने की वजह से किसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। चलिए, अब वित्त मंत्री ने क्या कहा था एग्जैक्टली एयर इंडिया को लेकर वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे साथ हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट का संकेत दिया है वित्त मंत्री ने, और उसके लिए उन्होंने कई सारी दलीलें दी हैं। उनका ये कहना है कि हिस्सेदारी की बात की जाए तो सिर्फ 14% हिस्सेदारी है एयर इंडिया में सरकार की, और 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वित्त मंत्री ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, पब्लिक एक्सचेकर पर बहुत बड़ा भार इसको माना जा सकता है, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता तो ये जो पैसा बचेगा सरकार उसको शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकती है। देखिए, दोनों प्रश्नों पे अपने अपने प्रश्न चिन्ह हैं। सबसे पहली बात तो है कि इस बात पर तो कोई डाउट नहीं है कि एयर इंडिया का मार्केट शेयर निरंतर गिरता गया और सारी सरकारें ये कहती रही कि हम इसे इम्प्रूव कर रहे हैं और दिन पर दिन वो बिगड़ते गए। वो चाहे प्रफुल्ल पटेल हों या जयंत सिन्हा हों, सिर्फ लफ्तेबाजी और भाषणबाजी के अलावा कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। उनकी नाक के नीचे जो है ये रिजल्ट आते रहे जी। और इसमें मैं एयर इंडिया को मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इस देश की सरकार को और उन एविएशन मिनिस्टर हैं जो कि एयर इंडिया का प्रशासन वो सीधे सीधे पर्सनल तौर पे चलाते रहे हैं, तो इसमें आप खाली एयर इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। रही बात 50,000 करोड़ की लाइबिलिटी की, अगर एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है तो सरकार कहीं ना कहीं उन लाइबिलिटीज के लिए खुद भी जिम्मेदार है, और क्योंकि ये सारे लोन जो है सरकार की गारंटी पे दिए हुए हैं। और पहला मूल क्वेश्चन है कि क्या डाइवेस्टमेंट हो पाएगा, अगर आप चाहे भी तो क्या आप किसी को बेच सकते हैं। और एयर इंडिया राष्ट्र की एक संपत्ति है, राष्ट्र का एक बहुत बड़ा एक निशान है, अगर आप उसको नहीं चला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे सरकार की अपनी कार्यकुशलता पे भी एक क्वेश्चन बनता है। अब सवाल है कि वो जो पैसा बचता है उसको आप देश की सुविधाओं दूसरे कामों में लगा सकते हैं, हो सकता है, पर मेरा मानना है कि ये भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है और एयर इंडिया ने देश की आर्थिक बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सरकार के ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटीज आएंगी, जैसा कि हर्षवर्धन कह रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और अरुण जेटली ने एयर इंडिया को लेकर क्या कहा था, आइए अब सुनते हैं। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, बहुत कठिन प्रश्न है। मैं जब एक वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था 1999-2000 में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि प्लीज डिसइन्वेस्ट एयर इंडिया, अदरवाइज देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू डिसइन्वेस्ट। उस वक्त मैंने 16-17-18 साल पहले कहा था। आज क्या हुआ कि मार्केट शेयर 14% है और 50,000 करोड़ का डेट है। अब बाकी जो एयरलाइन चलती हैं प्राइवेट सेक्टर में, इंडिगो है या स्पाइस जेट है या गो है या जेट है, उसमें आप तो पैसा नहीं लगाते,